मनोज जी, एक सवाल है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अधीर रंजन चौधरी और कई लोगों ने आरएसएस का और बीजेपी का इवेंट बता के राम मंदिर का डिक्लाइन किया। मैं बड़ी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो पहले से राम जी को मानते ही नहीं थे, काल्पनिक मानते थे, वो लोग आज जाना चाहते नहीं तो बहाना कुछ भी कर लीजिए। ये कार्यक्रम न्यास का है, न्यास ने प्रधानमंत्री जी को न्योता दिया है उनका शुभारंभ करने के लिए, और इस देश के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री जी के हाथों ही इसका भव्य शुभारंभ होना भी चाहिए था। अब बाकी जिसको इस आत्मग्लानी भाव में जलना है, जल के पड़ जाए, उकरे खाते हम क्या करें। मनोज जी, क्या आपको लगता है राम मंदिर के जरिए लोकसभा चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने तेज कर दी है और अब ये माहौल लोकसभा चुनाव की तरफ जा रहा है? देखिए, चुनाव तो नजदीक है, लेकिन हम ये सोच के तो नहीं चल रहे थे कि चुनाव के समय तक ये बन जाए। हम तो स्पीड से सड़कें भी बनाते हैं। हम कोशिश कर रहे थे, न्यास की जो तैयारी देख रहे थे कि एक समय में बन जाए, कितना अच्छा है। अभी भी और भी बहुत सारे काम, गली वली सजनी, अयोध्या सज रही है, ईंट ईंट पे राम लिखा है, पत्थर पे जय श्री राम लिखा है, राम मंदिर की है बारी, और 22 के बाद जाएंगे।